जिससे ERT क्लास 6 यूनिट 1A द एम्परर एंड द नाइटिंगेल सम्राट और कोकिला। हेलो दोस्तों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। लॉन्ग एगो इन द लैंड ऑफ चाइना देयर लिव्ड एन एम्परर। ही हैड ए मैजेस्टिक पैलेस। बहुत पहले चीन की भूमि में एक सम्राट रहता था। उसके पास एक राजसी महल था। बिहाइंड द पैलेस देयर वॉज ए ह्यूज फॉरेस्ट एंड ए नाइटिंगेल लिव्ड इन इट। महल के पीछे एक विशाल जंगल था और उसमें एक कोकिला रहती थी। द नाइटिंगेल सैंग सो मेलोडियसली दैट इट वॉज नोन फार एंड वाइड। पीपुल इवन रोट ए बुक्स अबाउट इट। कोकिला इतनी मधुर गाती थी कि दूर दूर तक जानी जाती थी। लोगों ने इसके बारे में किताबें भी लिखी। व्हाट इज दिस नाइटिंगेल, व्हाई आई नो नथिंग अबाउट इट। यह कोकिला क्या है, मुझे इसके बारे में कुछ क्यों नहीं पता। वन डे द एम्परर रीड वन ऑफ द बुक्स एंड विश्ड टू सी द बर्ड सिंगिंग। एक दिन सम्राट ने एक किताब पढ़ी और पक्षी को गाते हुए देखना चाहता था। द एम्परर ऑर्डर्ड हिज मैन टू ब्रिंग द नाइटिंगेल टू द पैलेस। सम्राट ने अपने आदमियों को कोकिला को महल में लाने का आदेश दिया। देयर इट इज, ओ रहा। ओनली ए किचन मैड हैड सीन द नाइटिंगेल, सो सी टुक देम टू द बर्ड। केवल रसोई की एक नौकरानी ने कोकिला को देखा था, इसलिए वह उन्हें चिड़िया के पास ले गई। द किचन मैड आस्क्ड द नाइटिंगेल टू कम टू द पैलेस विथ देम। रसोई की नौकरानी ने कोकिला को अपने साथ महल में आने को कहा। व्हाई हैव यू कम हियर लिटिल गर्ल, तुम यहाँ क्यों आई हो छोटी बच्ची। आवर एम्परर विशेस यू टू सिंग बिफोर हिम। हमारे सम्राट चाहते हैं कि आप उनके सामने गाएं। द नाइटिंगेल एग्रीड टू गो टू द पैलेस विथ देम। कोकिला उनके साथ महल जाने को तैयार हो गई। द नाइटिंगेल सैंग सो मेलोडियसली डैट टीयर्स केम इन टू द एम्परर्स आइज। कोकिला ने इतना मधुर गाना गाया कि बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। नाउ आई कैन हियर यू सिंग एवरी डे, अब मैं आपको रोज गाते हुए सुन सकता हूँ। ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू पुट द नाइटिंगेल इन ए फैंसी केज। उसने अपने आदमियों को कोकिला को एक फैंसी पिंजरे में रखने का आदेश दिया। सम डेज लेटर ए मैसेंजर ब्रॉट ए प्रेजेंट फ्रॉम द किंग ऑफ जापान। कुछ दिनों बाद एक दूत जापान के राजा की ओर से भेंट लाया। ए गिफ्ट फॉर यू मैजेस्टी, आपके लिए एक उपहार है महामहिम। इट वॉज ए ब्यूटिफुल टॉय नाइटिंगेल मैट ऑफ गोल्ड एंड कवर्ड विथ ज्वेल्स। यह सोने से बनी और गहनों से ढकी एक सुंदर खिलौना कोकिला थी। द एम्परर ओन्ड अप द टॉय बर्ड एंड इट सैंग द सेम सॉन्ग अगेन एंड अगेन। सम्राट खिलौना पक्षी को घायल कर दिया, यानी उनके गाना ने सम्राट के मन को मोह लिया, जिसके कारण
उसने बार बार एक ही गीत गाया, आह सच ए वंडरफुल प्रेजेंट, आह ऐसा अद्भुत भेंट। एवरी नाइट द एम्परर लिसेंड टू द ट्वेल्व बर्ड्स सॉन्ग, हर रात सम्राट ने खिलौना पक्षी के गीत की बात सुनी। हर रात बर्ड्स ट्वेल्व बर्ड्स का गाना सुना। द रियल नाइटिंगेल फेल्ट अनहैप्पी एंड फ्लू बैक टू द फॉरेस्ट, असली नाइटिंगेल दुखी महसूस किया और जंगल में वापस चला गया। वन डे द ट्वेल्व बर्ड ब्रोक एंड नो वन इन द किंगडम कुड रिपेयर इट, एक दिन खिलौना पक्षी टूट गया और राज्य में कोई भी इसकी मरम्मत नहीं कर सकता था। आई विल नेवर हियर द बर्ड सिंग अगेन, मैं कभी भी पक्षी को गाना नहीं सुनूंगा। द एम्परर बिकेम सैड, सम्राट दुखी हो गया। हिज ओनली विश वाज टू हियर द मेलोडियस म्यूजिक ऑफ द नाइटिंगेल अगेन, उनकी एकमात्र इच्छा नाइटिंगेल के सुंदर संगीत को सुनने से था। ईयर्स पास्ट एंड द एम्परर ग्रीव वेरी सिक, साल बीत गए और सम्राट बहुत बीमार हो गए। व्हेन द रियल नाइटिंगेल हर्ड द न्यूज इट फ्लू टू हिज विंडो टू सिंग, जब असली नाइटिंगेल ने खबर सुनी तो वह गायन के लिए अपनी खिड़की पर उड़ गई। जब वास्तविक नाइटिंगेल यानी रियल नाइटिंगेल ने जब यह बात सुनी कि एम्परर बीमार है और उसका गाना सुनना चाहते हैं, तो रियल नाइटिंगेल उड़कर राजा के खिड़की के पास चली गई और वहाँ पे गीत गाई। एवरी डे द बर्ड सैट ऑन द विंडो एंड सैंग स्वीट सॉन्ग्स फॉर द एम्परर, रोजाना पक्षी खिड़की पर बैठ गया और सम्राट के लिए मीठे गीत गाने लगा। He recovered very soon, सम्राट बहुत जल्द ठीक हो गए। The emperor pledged the nightingale to come back to the palace and stay in the cage, सम्राट ने कोकिला से महल में वापस आने और पिंजरे में रहने की विनती की। Thank you dear nightingale, धन्यवाद प्रिय कोकिला। I like my freedom, but I will come, कोकिला ने कही, मुझे अपनी आज़ादी पसंद है लेकिन मैं आऊँगा। द नाइटिंगेल रिफ्यूज्ड टू स्टे इन द पैलेस बट प्रोमिस्ड टू कम टू द विंडो एवरी नाइट टू सिंग एंड इट डिड, कोकिला ने महल में रहने से इनकार कर दिया लेकिन हर रात खिड़की पर गाने के लिए आने का वादा किया और ऐसा ही होता रहा। अब हम जानेंगे ऑथर के बारे में, अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। दिस ब्यूटीफुल स्टोरी वॉज रिटन बाय हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, हु वॉज बोर्न इन डेनमार्क ऑन अप्रैल 2, 1805। यह खूबसूरत कहानी हैंस क्रिश्चियन एंडरसन द्वारा लिखी गई थी, जिनका जन्म 2 अप्रैल 1805 को डेनमार्क में हुआ था। हिज स्टोरीज आर लव्ड बाय चिल्ड्रेन ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनकी कहानियों को दुनिया भर के बच्चे पसंद करते हैं। द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स एंड थंबेलिना आर टू ऑफ द बेस्ट फेरी टेल्स रिटन बाय हिम, द एम्परर न्यू क्लोथ्स और थंबेलिना उनके द्वारा लिखी गई दो सर्वश्रेष्ठ परियों की कहानियां हैं। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।
क्लासिक्स इंग्लिश का मैं सभी क्वेश्चन आंसर उपलब्ध करा रहा हूँ। कृपया चैनल पर जाएं या कमेंट बॉक्स में देखें, आपको वहाँ लिंक मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जुड़ रहे हैं हमारे साथ।